नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है AIPGT और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अभी होम्योपैथी में आगे होंगे या आयुर्वेद में आगे होंगे तो मॉडर्न के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। पूरी सीरीज़ आपको मिलेगी जब तक अभी आपका AIPGT आपका जो जुलाई में होने वाला है तब तक रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि शाम को भी एक वीडियो ला लूँ, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शाम का भी, ठीक है, 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे, सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे। सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे 2 वीडियो मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि लगातार बच्चे पूछ रहे हैं तो कोशिश पूरी करूँगा मैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, GT ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये आपकी जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं और ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं ये आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप के हैं और डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कौन से ऑर्गन में है वो आपको पता होना चाहिए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का काम होता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाना। यदि लीवर के अंदर ले जाना है तो अलग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होगा, ब्रेन के लिए अलग होगा, किडनी के लिए अलग होगा। तो ब्लड से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराना है लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, ब्रेन के अंदर, लंग्स के अंदर और डिफरेंट टिश्यूज़ में, तो आपको कौन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता होती है या होते हैं वो कौन कौन से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है ग्लूट हम बोलते हैं GLUT, ग्लूट भी बोलते हैं, ग्लूट फर्स्ट या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, GLUT ग्लूट भी बोलते हैं या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट जो है ये आपके RBC में, आपके ब्रेन में, किडनी में, कोलन में, प्लासेंटा में, आपको याद करना पड़ेगा। RBC, ब्रेन, किडनी, कोलन, रेटिना और प्लासेंटा में पाया जाता है। ग्लूट फर्स्ट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, RBC, ब्रेन, किडनी, कोलन, रेटिना और प्लासेंटा में पाया जाता है। एग्जाम में आता है प्लासेंटा में कौन सा ग्लूट पाया जाता है, GLUT1 पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेटिना में भी कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे GLUT2। GLUT2 जो होता है वो सीरोसल सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल सेल, इंटेस्टाइनल जो सेल्स होती हैं उसकी सीरोसल सरफेस में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है एंड बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज में कौन सा ग्लूट पाया जाता है, GLUT2 या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है या सीरोसल सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे GLUT3 जो है वो न्यूरॉन और ब्रेन में भी पाया जाता है, न्यूरॉन में भी एंड ब्रेन में। न्यूरॉन खासकर, न्यूरॉन कहाँ होते हैं, ब्रेन में आपको मिलेंगे, बॉडी में डिफरेंट पार्ट में मिलेंगे लेकिन न्यूरॉन में पाया जाता है और ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में GLUT1 और GLUT3 आपको मिलेगा और न्यूरॉन में जो है GLUT3 आपको मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं GLUT4 जो है स्केलेटल मसल्स में, हार्ट मसल्स में, एडिपोस टिश्यूज़ में, स्केलेटल मसल्स में, हार्ट मसल्स में, एडिपोस टिश्यूज़ में पाया जाएगा। GLUT4 जो ग्लूकोज को ब्लड से स्केलेटल मसल्स में, हार्ट मसल्स में, एडिपोस टिश्यूज़ में लेके आता है। नेक्स्ट बात करें GLUT5 जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, टेस्टिस में, स्पर्म में एंड किडनी में, स्पर्म में, टेस्ट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, टेस्टिस में, स्पर्म में और किडनी में पाया जाता है। एग्जाम में आता है टेस्टिस में कौन सा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है। स्पर्म के लिए क्या चाहिए, GLUT5 चाहिए, ये एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको याद रखना है। GLUT7 की हम बात करेंगे लीवर एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लीवर एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे एक और स्पेसिफिक जो है जिसे हम बोलेंगे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है, SGLUT। सीरम का फुल फॉर्म होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, SGLUT या हम इसे बोलेंगे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, जो इंटेस्टाइन और किडनी में पाया जाता है। सिर्फ इंटेस्टाइन और किडनी पाया जाता है, जहाँ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो है 2 लोग हैं इसलिए इंटेस्टाइन और किडनी में है, ये आपको याद रखना है। इतने इंपॉर्टेंट जो ग्लूट हैं या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो हमारी इम्पॉर्टेंटली फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, ये आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्लासेंटा, रेटिना, बीटा सेल और पेनक्रियाज, न्यूरॉन याद रखना है, टेस्ट स्पर्म याद रखना है, और जो लास्ट वाला बताया सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ये आपको याद रखना चाहिए जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है।